विजय लक्ष्मी सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने की शिरकत, विपक्ष को बताया मरियल और मुर्दों की सरकार। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ द्वारा विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन 2019 की जनसभा को संबोधित सीतापुर की तहसील लहरपुर में विजय लक्ष्य सम्मेलन में किया शिरकत। वही मनमोहन सिंह की सरकार को बताया मरियल लोगों की सरकार, कायरों की सरकार, मुर्दों की सरकार। जी हां, आपको बता दें कि सीतापुर की तहसील लहरपुर रामलीला मैदान में विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन 2019 की जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने गठबंधन की सरकार व कांग्रेस की सरकार पर साधा निशाना। भाजपा द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया व जनता को कमल के फूल पर वोट देने के लिए प्रेरित किया। ये मरियल कायर घरों में तिजोरी भरने वाले रोते गाते प्रधानमंत्री चाहिए कि दमदार प्रधानमंत्री चाहिए? दमदार प्रधानमंत्री चाहिए, जानदार प्रधानमंत्री चाहिए, गरीब कल्याण वाला चाहिए, किसानों की भलाई वाला चाहिए और हिंदुस्तान को दुनिया में आगे बढ़ाने वाला चाहिए? तो फिर तो आपको नारा लगाना ही पड़ेगा, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। तो मित्रों, आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का, अपील का डंका बज रहा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमर कस लिया है। देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। उत्तर प्रदेश में इस नापाक गठबंधनों को जिन्होंने अपनी पार्टियां आधी आधी कर दी है केवल मोदी का मुकाबला करने के लिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि लहरपुर में राजेश वर्मा की जीत की लीड इतनी बड़ी होने जा रही है कि तुम्हारी पार्टी आधा तो तुमने किया, बाकी जनता तुम्हारी पार्टियां समाप्त कर देगी। मित्रों, इस राह में केवल युवा मोर्चा के विजय संकल्प सम्मेलन में एक ही अपील करके मैं अपनी बात खत्म करके जाना चाहूंगा। आज के बाद से 18 की इनके नामांकन की मैं भी अपील करता हूं, भारी संख्या में जाएं। अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जी हाँ, मामला जनपद हमीरपुर के राठ का है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में इतनी भीषण आग लग गई कि कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और कई लाख की गृहस्थी का सामान और दुकान का सामान जलकर राख हो गया। वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों की गाड़ी और पुलिस ने लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया। राठ नगर के अम्बे पैलेस के बगल में मौजूद इंद्रपाल बरहारा वालों के घर में यह आग लगी थी। अभी तक आग लगने का सही कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं लोगों ने यह दृश्य देखा तो दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि पड़ोस के मकान में रखी एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। राहगीर जिन्होंने अपने आंखों से यह पूरा दृश्य देखा, हमीरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह किसान ने पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी के हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट से प्रीतम सिंह किसान ने आज भारी लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें चौथी बार चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह है कि वह पार्टी के विश्वास पर कितना खरे उतरते हैं। स्कूल नहीं तो वोट नहीं, मतदान का बहिष्कार। बहराइच रिसिया के डिहवा गांव के मजरा बेलभरिया के ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके इलाके में जूनियर हाई स्कूल न होने के कारण मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। जूनियर स्कूल न मिले तो वोट नहीं देंगे, जूनियर स्कूल न मिले तो वोट नहीं देंगे, जूनियर स्कूल नहीं मिलेगा, हमारे स्कूल नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, जूनियर स्कूल न मिले तो वोट नहीं देंगे, जूनियर स्कूल न मिले तो वोट न देंगे। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ग्रामीणों ने एक रैली निकाल कर मांग की है कि उनका कहना है कि हम सभी ग्रामीणों की बेटे बेटियों उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कहां भेजें, क्योंकि गांव में सिर्फ प्राथमिक विद्यालय है, क्षेत्र में दूर तक कोई पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है। ग्रामीणों ने शिक्षा का अधिकार के तहत गांव जूनियर हाई स्कूल की
मांग की है। लोगों का कहना है कि ग्राम में विद्यालय अब की बार। हम सब का यह नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है, उच्च शिक्षा का हो पालन हो को ज्ञान। इनकी मांगे जायज है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए इनकी बात को अपने उच्चाधिकारियों को बताया है कि यहाँ पर एक हम लोगों को अपनी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए बहुत दूर भेजना पड़ता है, तो उसकी उसमें सुरक्षा की भावना और दूर के चलते हम वहाँ नहीं भेज सकते। हमें यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल चाहिए ताकि हम अपनी बालिकाओं को पढ़ा सकें। लोकसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से लोकसभा चुनाव की संसदीय सीट का नामांकन शुरू हो चुका है। लगातार 18 अप्रैल से 11 बजे से नामांकन 3 बजे तक होगा। नामांकन प्रक्रिया अपने 4 सदस्यों के साथ नामांकन स्थल पहुंचकर करा सकते हैं। नामांकन 20 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में 4 संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें मिश्रिक, धौरहरा, मोहल्लागंज व सीतापुर शामिल है, जहां महौली हरगांव धौरहरा में शामिल है, जिसका क्षेत्र लखीमपुर जनपद में अधिक आता है, इसलिए वहां के प्रत्याशी लखीमपुर में अपना नामांकन कराएंगे। वही मोहल्लागंज निवासी सिधौली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां के प्रत्याशी लखनऊ के मोहन लालगंज लखनऊ में अपना नामांकन कराएंगे। मिश्रिक क्षेत्र की बात करें तो मिश्रिक कानपुर बिल्हौर हरदोई में शामिल है, इसलिए वहां के प्रत्याशी अपना नामांकन हरदोई में कराएंगे। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी अपने 4 सदस्यों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन करा सकते हैं। वह इस नामांकन की अधिकारियों द्वारा 20 अप्रैल को जांच होगी व 22 अप्रैल को नामांकन की वापसी हो सकती है।